नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु वांडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए सॉरी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए, मंडे मतलब 13 अक्टूबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इधर निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है, तो इधर देखिए मैंने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया है। तो इधर देखिए, इधर ये 38.2% से रिट्रेस करके 50% के तक गया था, तो 61.8% के ऊपर नहीं गया, नहीं गया। तो इधर इसके ऊपर जाने के बाद मतलब 11,440-11,450 के ऊपर जाएगा, तो ये इस लेवल तक 560 तक आ सकता है और इसके बाद फिर से और ऊपर जा सकता है और नीचे जाएगा। तो इस लेवल पे मतलब 11,090 के नीचे ये 11,020 10,914 उसके बाद 10,778 उसके बाद 10,750 तक आ सकता है। और बैंक निफ्टी का चार्ट में बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे ही दिख रहा है, ये 38.8% के नीचे ये रिटेस्ट करा है, ये 38% ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ये नीचे आ गया है। इसका नीचे ये 27,506 उसके बाद 27,108 26,800 तक आ सकता है और ऊपर जाने के लिए इसको 28,510 के ऊपर 500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद 700 उसके बाद 29,000 के ऊपर जा सकता है निफ्टी का। और इसका निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा तो इधर देखते हैं कि इधर पीसीआर रेशियो 0.85 के आसपास है और इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और 11,400 में इसका सपोर्ट है और इधर पुट्स कॉल साइड में और पुट साइड सॉरी रेजिस्टेंस है और इधर पुट साइड में 11,200 में इसका सपोर्ट है और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का देखूंगा तो इधर 0.61 पीसीआर रेशियो है, इधर 28,500 में इसका रेजिस्टेंस है, ये इधर 27,500 में इसका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इधर कुछ लॉन्ग 28,500 में इसका लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और इधर भी कॉल साइड में थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है और इधर पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप थोड़ा सा ऊपर जाने का चांस दिखा रहा है। और इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग दिखेंगे तो बैंक निफ्टी का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और बैंक निफ्टी का भी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।